अरे भाई खड़ा हो जा, इसको क्या प्रॉब्लम है? कब से इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ खड़ा होने के, लेकिन ये खड़ा होता ही नहीं है। हे गाइस, वेलकम टू ड्रॉयट्रॉक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको टॉप 5 हिडन एमआई थीम्स के बारे में बताऊंगा, जो आपके रेडमी या फिर एमआई स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं इन सभी थीम्स को। इस वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक एमआई थीम्स के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएंगे। ये जो थीम्स है ना, काफी कमाल के है, यूनिक है, इंटरेस्टिंग है, एक बार जरूर ट्राई करना चाहेंगे। सो अगर आपकी रेडमी स्मार्टफोन को या फिर एमआई स्मार्टफोन की फीचर्स को या फिर थीम स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए अपलोड करते रहता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में फर्स्ट एमआईओ थीम का नाम है एआई। एआई एक बहुत ही यूनिक मीयूआई थीम है, क्योंकि होम स्क्रीन में देख सकते हैं जो डिजाइन है ना, आपको ऐसा लगेगा कि एक हाईटेक वाला थीम है। और होम स्क्रीन में जो आइकन्स है ना, वो भी काफी कमाल के हैं। जैसे कि देख सकते हैं आइकन्स आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है इस वाले थीम में। और अगर फोन डायलर की बात करें इस थीम की, तो फोन डायलर में आप देख सकते हैं आपको ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा फोन डायलर के जो नंबर्स है, मतलब कि अगर आप जब किसी को कॉल लगाने के लिए नंबर टाइप करेंगे तो वो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगा, क्योंकि साइजेस बहुत बड़े बड़े हैं नंबर्स के, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और यहाँ पर अगर आप मैसेज करते हैं तो मैसेज में भी आपको डिज़ाइन अलग देखने को मिलेगा, जो थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको यूआई देखने को मिलता है। और बैकग्राउंड में आपको एक डार्क वॉलपेपर देखने को मिलेगा जिसके ऊपर लिखा गया है एआई, मतलब कि एक प्रोसेसर है, ये भी अच्छा लगता है देखने में। अगर कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर के डिजाइन भी आपको देखने को मिलेगा, जो थीम है उसके हिसाब से आपको डिजाइन देखने को मिलता है। इस थीम का कुछ अच्छा हो ना हो, लेकिन इस थीम का जो लॉक स्क्रीन है ना, काफ़ी कमाल का है, इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक फेक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि टच स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है। जैसे इसको आप टच करेंगे ना, तो आपका फेस आईडी यूज़ करके ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। गाइस, अगर इस एआई थीम की चार्जिंग एनिमेशन की बात करो तो यहाँ पर आपको चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिलेगा जब आप फोन को चार्ज करेंगे। ग्लोइंग इफेक्ट देखने को मिलता है इस वाले थीम में, जो मुझे अच्छा लगा है, बेहतरीन देखने में लगता है, आपको भी पसंद आ सकता है। सो गाइस, अगर आपको एक हाईटेक वाला एमआईवाई थीम इंस्टॉल करना है, ट्राई करना है, तो ये थीम आप ट्राई करके देख सकते हैं, जिसका नाम आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आप नाम सर्च करके इस थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं थीम स्टोर से। सेकेंड एमआईवाई थीम का नाम है वॉइड। वॉइड एक मिनिमल एमआईवाई थीम है। इस एमआईवाई थीम की होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन में आपको जो आइकन्स देखने को मिलता है ना, वो काफ़ी अच्छा आइकन देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आइकन्स के कलर जो है ना, वो उभर के आता है। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपकी फ़ोन की होम स्क्रीन को स्वाइप करते हैं ना, जो आइकन्स के एनिमेशन है ना, वो भी काफ़ी अच्छा देखने में लगेगा। जैसे देख सकते हैं मैं होम स्क्रीन स्वाइप करता हूँ, आपको अच्छा यूनिक एनिमेशन देखने को मिलेगा आइकन्स में। और बैकग्राउंड में आपको एक मिनिमल वॉलपेपर भी देखने को मिलेगा, जिसके वजह से इस थीम का जो डिज़ाइन है ना, बिल्कुल मिनिमल हो जाता है। अगर फोन डायलर की डिज़ाइन की बात करें तो आपको वाइट एंड स्काई कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। बाकी इस थीम में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। अगर लॉक स्क्रीन की बात करें गाइस, लॉक स्क्रीन इस थीम का काफ़ी अच्छा है, मतलब कि आप लॉक स्क्रीन से ही बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं, गैलरी से कोई भी फोटो वगैरह देख सकते हैं, व्हाट्सएप आपको ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। तो अलग अलग ऑप्शन है जहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इस थीम की लॉक स्क्रीन से। और हाँ, इस थीम में आपको चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिलेगा। जब इस थीम को इंस्टॉल करके मेरे फ़ोन को चार्ज कर रहा था ना, तब मुझे काफ़ी अच्छा यूनिक एनिमेशन भी देखने को मिला है। सो गाइस, अगर आपको एक मिनिमलिस्टिक एमआईयू थीम ट्राई करना है जिसका लॉक स्क्रीन भी अच्छा हो, तो आप ये वाला थीम ट्राई करके देख सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा है। नंबर 3 में जो थीम है उसका नाम है सुपर मीयूआई। ये भी एक मिनिमल मीयूआई थीम है। इस थीम का जो चार्जिंग एनिमेशन है ना, वो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि चार्जिंग में आपको गोल गोल घूमता हुआ यूनिक एनिमेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये थीम मैंने आप सभी के लिए सिलेक्ट किया है। तो चार्जिंग एनिमेशन इसका काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। चलिए नज़र डालते हैं इस थीम का होम स्क्रीन की। तो होम स्क्रीन में आपको फन की शैडो इफेक्ट वाला यूनिक आइकन्स देखने को मिलता है, जो फर्स्ट टाइम शायद आपको पसंद आ सकते हैं ये सभी आइकन्स। और सबसे टॉप में आपको देखने को मिलेगा एक गूगल सर्च बार, जहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। और आपको मिडिल में एक क्लॉक विजेट भी देखने को मिलेगा। और बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में आपको कार वॉलपेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस थीम का जो डिज़ाइन है ना, बिल्कुल वाइट रखने की कोशिश किया गया है। बाकी और इस थीम का कोई भी चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे आपकी रेडमी फ़ोन में। सो गाइस, अगर आपकी रेडमी फ़ोन में एक मिनिमल वाइट थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, ये वाला थीम ट्राई करके देख सकते हैं, जिसका चार्जिंग एनिमेशन काफ़ी अच्छा है। आई होप ये वाला थीम आपको पसंद आया है। इस लिस्ट का जो फोर्थ नंबर थीम है उसका नाम है आयोस ड्रॉप। तो आयोस ड्रॉप एक बहुत ही अच्छा एक गैलेक्सी डिज़ाइन वाला एमआईवाई थीम है। इस थीम का जो
आइकन्स की बात करें तो आइकन्स में आपको सॉलिड डिजाइन देखने को मिलता है, थोड़ा सा चॉकलेट कलर्स का डिजाइन है। इस थीम की बैकग्राउंड में आपको गैलेक्सी वॉलपेपर देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हैं। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर में आपको चॉकलेट कलर का डिजाइन मिलेगा, मतलब कि कोई अगर टॉगल्स वगैरह फंक्शन वगैरह ऑन करेंगे ना तो आपको चॉकलेट कलर में देखने को मिलेगा। अगर फोन डायलर की बात करें तो फोन डायलर में आपको ब्लैक एंड व्हाइट की कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जैसे कि देख सकते हैं। और इस थीम का अगर लॉक स्क्रीन की बात करें गाइस, लॉक स्क्रीन काफ़ी अच्छा है, मतलब कि यहाँ से आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज चेक कर सकते हैं और आप यहाँ से म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। तो ये वाला थीम भी आप ट्राई करके देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, यूनिक है, क्योंकि इसका लॉक स्क्रीन आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। इस लिस्ट का फिफ्थ और लास्ट नंबर थीम का नाम है टेक DWM2। तो ये एक प्रो लेवल का साइंस फिक्शन थीम है MI यूजर्स के लिए, जो आपको फुल्ली एनिमेटेड लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगा। वो यार देख सकते हैं इसका लॉक स्क्रीन है ना, बहुत ही धासु है। अगर होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन में आपको जो है एक डोप वॉलपेपर देखने को मिलेगा जो कि MI वॉलपेपर है। और आपको जो आइकन शेप्स की बात करें तो आइकन्स आपको सर्कल डिजाइन के आइकन्स देखने को मिलेगा। बाकी इस थीम में आपको कोई भी कंट्रोल सेंटर के डिजाइन, डायलर के डिजाइन या फिर चार्जिंग एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लॉक स्क्रीन में डबल टैप करते हैं ना तो आप डायरेक्टली यहाँ से म्यूजिक प्ले भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा थीम है MI यूजर्स के लिए, जो आप इस साइंस फिक्शन थीम्स को ट्राई करके देख सकते हैं आपकी रेडमी फ़ोन में या फिर MI फोन में। तो ये वाला थीम आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बोलिएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सभी थीम्स आपको पसंद आया है, इनमें से आपको कौन सा थीम पसंद आया मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस तो जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।